नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं बलिया लोकसभा सीट 72 से प्रत्याशी कैप्टन वैभव सिंह पर हमला। कैप्टन वैभव सिंह ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि फेफना थाना अंतर्गत बंधैता गांव पहुंचे ही थे, कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वैभव सिंह का आरोप है कि कुछ विरोधी दल के आपराधिक प्रकृति के लोगों द्वारा नारेबाजी करते हुए उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। कैप्टन को जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी कर जानलेवा हमला किया गया। वैभव सिंह फेफना थाना में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। मैं कैप्टन वैभव सिंह, 72 लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। घटना घटी है 25 तारीख को, होली समारोह होता, मिलन समारोह, उसमें बहुत लोग आए थे। मैं थोड़ी देर के लिए गांव से बाहर चला गया घूमने दूसरे गांव में, अपना जन समूह को जितना भी हो सकता है जनसंपर्क शुरू रखूँ। वो त्यौहार है तो क्या वो परेशानियाँ होती हैं गाँव वालों को, तो मैंने कहा समझे एक बार सुने। जब वापस लौट के मैं आया तो मेरे काफिले पर पत्थरबाजी, हमले हुए मेरी गाड़ी पे, हमारे लोग उसमें बैठे हुए थे, मैं स्वयं बैठा हुआ था। जब रोक के मैं ढूंढने गया हूँ, उन लोग ने नारे भी लगाए। जब रोक के ढूंढने गए हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था, सब भाग गए। ये लोग छुप के हमला कर पत्थरबाजी की और हमला किया हमारे ऊपर। वो लोग 5-6 संख्या में थे और ये हुआ है दोपहर अपराह 3:30 से 4 के बीच में। और उस समय मैं घूम के गांव से वापस आके अपने घर पे आया था कि हमने शाम को भी हमारा एक प्रोग्राम था। संदेह यही है कि उन लोग को लग रहा होगा कि हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमला उनको मालूम था वो किस पे कर रहे हैं। मैं एक चैनल के एडिटर हूँ और मैं इस समय लोकसभा का प्रत्याशी हूँ, तो ये कुछ भी मुद्दा हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिन्होंने भी किया है उनको भी धन्यवाद और जिन्होंने करवाया उनको भी धन्यवाद। ठीक है, कम से कम पता तो चले कि कोई जनता की आवाज़ बन रहा है तो किसी को तकलीफ हो रही है। मैं तो रिपोर्ट कार्ड मांग रहा हूँ सबसे, नहीं देने का मन है इसलिए हो। तहरीर दिया, पुलिस भी आई, उन्होंने वहाँ पर शिनाख्त भी की, उन्होंने जाके गाँव वालों से पूछताछ भी की है। और मैं तहरीर दे के आया हूँ फेफना थाने में, एसएसआई थे उनको तहरीर। 25 तारीख होली के दिन रीज़न कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, गाय भैंस चराने के लिए कोई पत्थर मार सकता है, लेकिन उस दिन कोई गाय भैंस नहीं चल रही थी। हम लोग ने पूरा देखा था, खेत खलिहान सारे खाली थे, सब अपने अपने घरों में थे। गाय भैंस को भूसा लगा के रखा था, सबके यहाँ घूम लिया मैंने। उसके बाद ये जो होली में एक्सीडेंट हो रहे थे, इसीलिए मैं गया था सड़कों पर कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो हमारे आसपास तो उनको कम से कम चिकित्सा व्यवस्था पहुँचा दें, हम लोग अस्पताल तक पहुँचा दें, बेचारा कोई मरे ना, जब तक हम हैं तब तक। शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई हो जाए और जहाँ तक भी हो सुरक्षा दे सकते हैं तो दे दें, क्योंकि भाई इन लोग के भी बहुत सारे अपने अपने सबके कमिटमेंट है। बहुत लोगों को सुरक्षा देनी होती है, लेकिन अब हमला हुआ है तो मुझे सुरक्षा दे दें अगर दे सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि एक बार इनकी शिनाख्त करें ठीक से, कि जिन्होंने भी हमारे ऊपर हमला किया है वो किसी और पर भी कर सकते हैं, किसी और का नाम लेके।